आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ घर के बिस्किटों से हम इस केक को बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, आज हम केक बनाएंगे। केक बनाना बहुत आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ मैंने बिस्किट लिए हैं बाउंस, एक पैकेट 41 ग्राम का है, आप देख सकते हैं। तो हमारे तीन पैकेट मैंने यहाँ पे तीन पैकेट का इस्तेमाल करा है, तो यहाँ हो गए हमारे 123 ग्राम का। तो यहाँ हम सारे पैकेट को खोल लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे खुल गए हैं, अब हम इसको मिक्सी में, अगर आपको करना है तो मिक्सी में कर लो, पर मेरे को बर्तन खर्च नहीं करना है, इतने झंझट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको छोड़ने में, क्योंकि बेलन ठीक भी रहता है। तो ये अब हम इसको अच्छे से तोड़ रहे हैं, बहुत पिटाई कर रहे हैं इनकी, जब तक ये अच्छे से सीधे नहीं हो जाते तब तक इनकी पिटाई करते रहेंगे, बहुत बदतमीज हो रहे हैं ये। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं हाफ कप मिल्क, तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। अगर आप सारा डाल दोगे तो जो आपका केक होगा, अगर इसमें ज्यादा दूध जल जाएगा तो फिर आपको और बिस्किट डालने पड़ेंगे। हम धीरे धीरे करके इसको इसके अंदर दूध डालकर डाल देते हैं। और अब हम डाल रहे हैं ये चीनी की चाशनी बनाई है हमने, तो अब हम इसके अंदर दो चम्मच डाल रहे हैं, एक हमने पहले डाले थे, अब दूसरी चम्मच है ये। और अब इसको हम मिला लेते हैं। तो अब यहाँ हमने मेल्टेड बटर डाला है इसके अंदर, और अच्छे से इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। पूरा आपको ग्रीस करना है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ग्रीस हमारा, जिससे केक बिल्कुल तुरंत ऐसे जब हम एक किसी के केक बोर्ड या प्लेट के नीचे निकाले एकदम निकल जाए। तो यहाँ हम एक टीस्पून ले रहे हैं बेकिंग पाउडर, अब हम इसको मिला लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम और ले रहे हैं 1/4 टीस्पून और ले रहे हैं, हमने डाला है इसमें 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, जिससे ही हमारा केक बहुत ज्यादा फूलेगा, ये है एक टिप। तो अब ये बैटर देखिए कितना स्मूथ बना है, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब हम इसको टैप कर लेते हैं धीरे धीरे 2-3 बार। तो यहाँ माइक्रोवेव में हम रख रहे हैं इस टिन को, तो इसको बंद करके हम लगा रहे हैं 3 मिनट्स का। तो हम इसको 3 मिनट्स तक करते हैं। हमने इसको फैन के नीचे रख दिया है, जिससे ये ठंडा हो जाए और अच्छे से निकल जाए। अरे वो ठंडा हो गया था केक, अब हमने इसको निकाल लिया है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है और मुलायम बना है। अभी कुछ हमारे पास है सिल्वर बॉल्स, ये भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। हमने इसको डेकोरेट कर लिया था, अब हम इसको काट के देखते हैं। ये देखिए कितना डिलीशियस हमारा ये केक बना है, ये देखिए सुपर सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बनकर के तैयार हुआ है।